So, very good evening everyone. Welcome to my YouTube channel. So students, मेरे पास एक ये question है, application of trigonometry class 10th chapter 9. ये एक example है, example number 5. तो काफी बच्चों का मेरे पे doubt आया है, queries आई हैं कि सर ये वाला question explain कर दीजिए, समझ में नहीं आ रहा है. एक very important question है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है लेकिन इंटरेस्टिंग भी है ना. तो कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की बिल्कुल इजी मैनर में, जो अभी तक हम करते हुए आए हैं, है ना. तो पहले एक बार हम क्वेश्चन को रीड करते हैं कि क्वेश्चन कह क्या रहा है बेटे, है ना. क्वेश्चन ये कह रहा है द शेडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड. मतलब एक टावर है, एक टावर है बेटे, मान लो दिस इज अ टावर, ठीक है. ये बिल्कुल एक ग्राउंड पर खड़ा हुआ है, क्लियर, एक बिल्कुल ग्राउंड पर खड़ा हुआ है. और जब मान लो सूरज यहां पर होगा फॉर एग्जांपल, तो सीधी सीधी बात है, जब इस टावर के पीछे सूरज होगा तो इस टावर की जो परछाई होगी वो इस धरती पर गिरेगी, है ना. The shadow of this tower will fall on the surface of the ground or not? Absolutely right, है ना. तो जब सूरज इसके पीछे था तो इसकी शेडो यहां पर गिरी, ये कॉन्सेप्ट है. अब पढ़ते हैं, द शेडो ऑफ अ टावर, इस टावर की शेडो स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड, वो टावर जो कि ग्राउंड पर खड़ा हुआ था, इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर. सब लोग ध्यान से सुनेंगे, इस टावर की शेडो, मतलब ये मान लो ये शेडो, मान लो मैं ये शेडो इसकी गिरी ही है, ठीक है. इस टावर की ये शेडो है ए, इस पॉइंट को ए मान लो, बी और ये सी. तो ये जो शेडो है बी सी इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर. लॉन्गर ग्रामेटिकल सेंस लग रहा है, इसका मतलब ये शेडो 40 मीटर लंबी होगी किसी और शेडो से, है ना. थोड़ा सा इसमें ग्रामेटिकल सेंस भी लग रहा है, तो हमें वो भी चीज समझनी है इसमें. तो ये शेडो 40 मीटर लंबी है, कब, किस शेडो से. ये शेडो 40 मीटर लंबी है जब सन की हाइट 30 डिग्री थी. जब सन की हाइट यहां से, सन से एल्टीट्यूड का मतलब है, जब सन की हाइट 30 डिग्री पर थी, ये मान लो सूरज यहां पर है, तो यहां पे जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है. जब सन की हाइट 30 डिग्री पर थी तो उसकी शेड, उसकी परछाई से, मतलब जब उसकी किरण इस खंभे पर पड़ी, तो ये जो शेडो थी, ये शेडो 40 मीटर लंबी है जब सन की हाइट, मान लो जब सन थोड़ा सा पीछे चला गया, तो सीधी सीधी बात है इसकी शेडो जो है थोड़ी सी आगे हो जाएगी, ठीक है. तो जब सन की हाइट 60 डिग्री पर थी तो उसके से भी शेडो बनेगी. तो मान लो जब सूरज थोड़ा सा पीछे चला गया तो इसकी शेडो इस पॉइंट से थोड़ा सा इस तरफ गिरेगी. ये आप प्रैक्टिकली भी कर सकते हो, है ना. तो जब इसकी शेडो इस पॉइंट पर गिरी, मान लो डी पर, कब, जब सन की हाइट 60 डिग्री पर. तो क्वेश्चन क्लियर हुआ, एक बार फिर से समझ लो क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटे. द शेडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड, इस टावर की शेडो जो कि एक बिल्कुल प्लेन ग्राउंड पर खड़ा हुआ है, 40 मीटर लंबी है, कब, मतलब ये पूरी शेडो बी सी 40 मीटर लंबी है जब सन की हाइट 30 डिग्री पर थी, ठीक है. और 40 मीटर लंबी किससे है, जब सन की हाइट 60 डिग्री पर थी उसकी शेडो से, उसकी
छेड़ों से। ये बात क्लियर हो गई। अब इसको हम एक बार हिंदी फॉर्मेट में भी लिख लेते हैं तो हमें इस क्वेश्चन का सेंस क्लियर हो जाएगा, ठीक है? तो इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल आसान सा मतलब है वो एक ये है बेटे कि 30 डिग्री पर बनने वाली परछाई, मतलब कि ये BC 60 डिग्री पर बनने वाली परछाई से 40 मीटर ज्यादा है। ये सीधे सीधे बेटा इस पूरे क्वेश्चन का सार है ना? इतनी बात क्लियर हुई? अब हमें निकालना क्या, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, मतलब हमें AB की वैल्यू निकालनी है। ये इसको मैंने AB मान लिया, मतलब AB एक टावर है तो इसको मैं हाइट मान लेता हूं, ठीक है पूरी। तो यहां तक बात क्लियर हुई बेटे? तो अब इसको करने का क्या प्रोसेस है वो हम समझते हैं। तो ये सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने फ्रेम करी है कि ये जो शेडो है BC, ये शेडो इस BD से जो कि 60 डिग्री पर बन रही है, BD से 40 ज्यादा है। ये आपको क्लियर होना चाहिए बात, ठीक है? अब इसको करते हैं सॉल्व। ये सब एक बार नोट कर लेना। तो हमें खाली कुछ ज्यादा कुछ दिया नहीं है इसमें, हम खाली इसी की मदद से सॉल्व करेंगे पूरे क्वेश्चन को, ठीक है? ओके। तो सबसे पहले सबसे पहले भाई एक काम करते हैं, एक ट्रायंगल लेके चलते हैं ADB, ओके। इस DB को मैं X मान लूं, डी से बी तक की डिस्टेंस को मैं एक्स मान लेता हूं, ठीक है? तो एक काम करते हैं, ट्रायंगल लेके चलते हैं, ट्रायंगल ADB ये मुझे निकालनी है। मतलब मेरे पास अगर ये बेस एंगल है तो दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस, ठीक है? तो टेन वाली कंडीशन लग जाएगी। इसमें मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा रहा हूं, टेन थीटा इक्वल टू होता है क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, विच इज परपेंडिकुलर क्या है मेरे पे, AB अपॉन बेस, बेस क्या है मेरे पे बेटे DB, ठीक है? अच्छा, थीटा की वैल्यू क्या है इस ट्रायंगल की कंडीशन में, थीटा की वैल्यू क्या है 60 डिग्री। तो टेन 60, AB को क्या माना मैंने H, DB क्या है मेरे लिए X, ये भी मैंने मान ली। तो यहां पे मैं एक चीज लिख देता हूं कि लेट द लेंथ ऑफ DB बी X, ठीक है? एक्स मीटर मान लो, एक्स लिख लो, इतनी बात है, ठीक है? तो मैंने एक्स मान लिया। 1060 की वैल्यू क्या होती है, 1060 की वैल्यू होती है मेरे पास √3 H x। तो H की वैल्यू क्या आ गई यहां से, √3 × x क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे। इसको जरा सेव करके रख लो, इसको फर्स्ट मान लिया मैंने, ठीक है? यहां तक कोई दिक्कत? ओके। एक ट्राइंगल हम लेके चलते हैं ACB पूरा, इन ट्राइंगल ACB इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाते हैं, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो AB अपॉन BC, ठीक है? थीटा की वैल्यू क्या है इस ट्राइंगल की कंडीशन में, 30 डिग्री। तो टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू AB क्या है मेरा H, और BC क्या है बेटे, ये पूरी BC अब ये बताओ किसके बराबर होगी। तो इस कंडीशन में अगर मैं ध्यान से देखूं तो BC ये पूरी शेडो जो है इस वाली शेडो से 40 मीटर ज्यादा है। इसका मतलब अगर मान लो ये फॉर एग्जाम्पल ये 10 मीटर की है तो ये पूरी कितनी मीटर की हो जाएगी, 50 मीटर की, ठीक? सिमिलरली
अगर बी डी मेरी एक्स है तो बी सी मेरी एक्स प्लस 40 हो गई, कोई दिक्कत होगी? मैंने बी डी को एक्स मान लिया, ठीक है, तो यहां पे मैं बी सी की जगह लिख सकता हूं एक्स प्लस 40। अब टेन थर्टी की वैल्यू क्या होती है? 1/√3 एच अपॉन एक्स प्लस 40। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्लियरिटी आ रही है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो एच की वैल्यू आ गई एक्स प्लस 40 अपॉन √3। एक वैल्यू एच की मेरे पे ये, ठीक है, यहां तक बात क्लियर हुई? इतना रफ कर देते हैं इसको। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो एक एच की वैल्यू आ रही है √3x और एक एच की वैल्यू आ रही है एक्स प्लस 40 अपॉन होल अपॉन √3। तो इन दोनों को मैं कंपेयर करा ले रहा हूं, ठीक है? तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, अगर एच इक्वल टू दिस है, एच इक्वल टू दिस है, तो ये वाली वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी सिंपल ऑन कंपैरिजन। तो √3x इज इक्वल टू एक्स प्लस 40 अपॉन √3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, √3 √3x इज इक्वल टू एक्स प्लस 40, √3 × √3 3x, √3 × √3 3, ठीक है, एक्स प्लस 40। लाइक वेरिएबल्स, लाइक टर्म्स को एक साथ लिख लो, तो 2x इक्वल टू 40, एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 20। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने ये सबने नोट कर लिया होगा, बेटे ये डायग्राम था ना मेरा, तो मैंने इसको एक्स माना था, तो एक्स की वैल्यू मैंने क्या निकाल दी? 20 मीटर। और अकॉर्डिंग टू अवर ऑब्जर्वेशन हमने क्या निकाली थी कि जो बीसी है, ये जो पूरी शेडो है, वो इतनी शेडो से 40 ज्यादा है ना, मतलब बीसी जो है वो बीडी से 40 ज्यादा है। तो बीडी हमने कितनी निकाल दी बेटे? 20। तो बीसी कितनी हो गई? बीसी की वैल्यू हो गई मेरी 60 मीटर। एक बार चेक कर लेते हैं, मतलब बीसी की वैल्यू आई है 60 मीटर टोटल, यहां से लेके यहां 60 मीटर आ गई। अच्छा, दो बातें हो गई, इतनी बात समझ में आई। अब हमें हाइट निकालनी है। अब ये बहुत आसान हो गया है, चाहे आप ये वाला ट्रायंगल ले लो, चाहे पूरा ट्रायंगल ले लो, आराम से हाइट निकाली जाएगी। देखो कैसे, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो ध्यान से करना है इसको। इन ट्राइंगल एडीबी, ये मैंने आपको निकाल के दिखा दिए, वैसे जरूरत नहीं थी, उसके बावजूद भी हमने निकाल के दिखा दिए कि हाँ भाई ये वाली पूरी शेडो इससे 40 ज्यादा ही है, अगर ये 20 है तो ये 60 हो गई, ठीक है। अब इस वाली ट्राइंगल की मदद से हम हाइट निकाल देंगे, कैसे? देखो, टेन 60 इक्वल टू एबी अपॉन डी बी, ठीक है बेटे, टेन 60 की वैल्यू √3, एबी की वैल्यू एच मानी थी, डी बी कितनी आ गई? 20। तो एच की वैल्यू क्या आ गई? 20√3 मीटर। ये आ गया मेरा हाइट ऑफ द टावर, क्लियर है बेटे? तो इस तरीके से ये मेरा क्वेश्चन हुआ है। एक बार फिर से समझ लो क्वेश्चन का क्या मतलब है, कि 30 डिग्री पर बनने वाली जो परछाई है, 30 डिग्री पर बनने वाली जो परछाई है, वो 60 डिग्री पर बनने वाली परछाई से 40 ज्यादा है। ये मतलब है इस क्वेश्चन का। तो आई होप कि आप सबके
जो डाउट्स थे वो इस क्वेश्चन में क्लियर हो गए होंगे, और इस क्वेश्चन के टाइप्स आपको कई सारे टाइप्स आर एस अग्रवाल और आर डी शर्मा में मिल जाएंगे, वहां से आप इसको क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप यू ऑल आर एंजॉय दिस लेक्चर, सो थैंक यू एवरीवन।